हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डायनेमिक प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी, ये एक्चुअली कलर्स की कंपनी है, कलर्स बनाती है। और कौन से टाइप के कलर्स है यहाँ पर आप वेबसाइट पे देख सकते हो। तो ये फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक कलर्स भी बनाती है। और ये देखो कॉस्मेटिक कलर्स है, ठीक है, ये नेल पॉलिश वगैरह के ब्यूटी प्रोडक्ट के भी कलर्स बनाती है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये फूड के भी है, नेचुरल फूड कलर्स, डाई के कलर्स, ये सारी चीज़ें ये बनाती है। और ये कंपनी ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आप डिटेल देख लो और उसके बाद हम इसका शेयर देखेंगे, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और मेनली आपको ये पता होना चाहिए, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो, वो कंपनी क्या करती है। तो ये यहाँ पर आप बहुत सारे इनके प्रोडक्ट देख सकते हो अलग अलग। ये फूड कलर है, लेग कलर है, लेग कलर यानी नेल पॉलिश के लिए जो कलर यूज होता है, और ब्लेंडेड कलर, FD एंड सी कलर, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ भी सकते हो, देख सकते हो, और कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारे चीजों में ये कलर्स यूज होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोसेस फूड, बेवरेज, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, पेट प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, कॉस्मेटिक पर्सनल केयर में है, तो बहुत जगह ये कलर्स यूज होते हैं, ठीक है। और इनका ये ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, गुजरात की कंपनी है। और मेन चीज़ हमको ये देखना है कि अभी इसका शेयर कैसा है, कंपनी कैसी है। फिलहाल तो हमने इसका बिजनेस देख लिया, अभी इसका शेयर भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो, NSE BSE पे इसका प्राइस चल रहा है 513 का। फिलहाल ये आज ही के दिन यानी 23 मई 2022 में ये गिर चुका है, थोड़ा बहुत आधा परसेंट तक गिर चुका है। और इसने पूरा एक साल के अंदर एक लो बनाया था, वो 452 का लो है, और हाई बनाया था उसने 769 का हाई बनाया था, ठीक है। तो काफ़ी गिरावट देखने मिली है और फिलहाल यहाँ पर लो के नज़दीक नज़र आ रही है, 52 वीक लो के, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, एनुअल नेट प्रॉफिट इसका इम्प्रूविंग हो रहा है, लास्ट 2 साल से इसका एनुअल प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। बाकी 8 वीकनेसेस है, मतलब स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसमें वीकनेसेस है। कंपनीज विद द ग्रोइंग कॉस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी कॉस्ट ग्रो कर रही है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है, और थ्रेट की बात करेंगे तो भी यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, तो ओवरव्यू में आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैपिटल बता रहा है वो लगभग 596 करोड़ का है। और इसकी डिलीवरी परसेंटेज देख लो, लगभग 52% तक इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है ये शेयर की। और फेस वैल्यू 10 रुपये का है, पीबी इसका 3.53 का आ रहा है, और इसका पी जो है 24 का आ रहा है, और पी इतना महंगा नहीं है, सेक्टर पी 29 का है, और इसका खुद का पी जो है 24 का है, तो ठीक ठाक ही है पी, ज़्यादा महंगा नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर अभी हम नीचे इसका चार्ट देखेंगे, और यहाँ पर मैं मेरी एंट्री भी बताऊंगा और एग्जिट भी बताऊंगा। और यहाँ पर मैं 1 साल का चार्ट दिखाता हूँ और मेरी 1 साल के अंदर ही ट्रेडिंग हो चुकी है इसमें। और यहाँ पर देखो ये शेयर कहाँ से कहाँ मूवमेंट इसने दिया है, लगभग ये स्टार्ट होता है 505 के लो से स्टार्ट हो के एक हाई बनाता है बीच में, वो 588 का है, फिर एक लो बनाता है, ठीक है। तो लो बनाता है 452 का, और यही इसका 52 वीक लो है। और उसके बाद देखो शेयर अपवर्ड मूवमेंट देता है 574 का, फिर एक डाउन देता है, फिर एक अप देता है, तो शेयर इसी तरीके से बढ़ते हैं। और फिर एक बड़ी मूवमेंट इसमें देखने मिली थी ये लो के बाद, ये कौन सा लो है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये लगभग 511 का लो है, उसके बाद इसने एक बड़ी हाई हाई मारा था, और यही वो हाई जो इसने 52 वीक हाई है इसका 769 का, ठीक है। तो उसके बाद देखो गिरावट आती है, कोई भी एक बड़े हाई के बाद एक गिरावट एक्सपेक्टेड होती है, गिर भी सकते हैं शेयर्स। तो यहाँ पर वैसी गिरावट देखने मिली, फिर से एक गिरावट के बाद एक उछाल देखने देखने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो यहाँ पर एक उछाल भी देखने मिला, फिर
फिर से एक गिरावट देखने मिलती है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट चलता है और इसी तरीके से हर एक शेयर मूव करता है, ठीक है। और फिलहाल ये शेयर के अंदर मेरी बाइंग लगभग जुलाई के आसपास थी और जुलाई के टाइम में इसमें मैंने प्रॉफिट ले लिया है। और तभी क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है ये मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैंने ये डायनेमिक प्रोडक्ट्स में 22% का प्रॉफिट लिया था, एक ही महीना होल्ड करने का इन अ मंथ डाला है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले जस्ट स्क्रीनशॉट डाला करता था जो भी शेयर्स में बाय करता था और सेल कर देता था, ठीक है। तो ओनली स्क्रीनशॉट ही डाला करता था मेरे रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। फिर बाद में मैंने फुल वीडियोस डालना चालू किया। तो ये 1 अगस्त को मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला था जिसके अंदर ये सभी शेयर्स के स्क्रीनशॉट है, पल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, शारदा एनर्जीज, टीसीपीएल पैकेजिंग, पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, असाई, सॉन्गवन कलर्स एंड लकी लेमिनेट्स और डायनेमिक प्रोडक्ट्स। ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और बाकी की ये सभी के वीडियोस में बना चुका हूँ और इन सभी में मैंने प्रॉफिट अच्छा खासा लिया है। और ये 26 जुलाई से 30 जुलाई के अंदर जितने शेयर्स में बेच रहा था उनका ये स्क्रीनशॉट था। और एकदम से मैं एक दिन डाल देता था 1 वीक कंप्लीट होने के बाद कि ये हफ्ते में कितने शेयर्स में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, वो सारा एक साथ स्क्रीनशॉट एक ही वीडियो के अंदर बना के, शॉर्ट वीडियो बना के डाला करता था क्योंकि चैनल पे नया था और नया नया चैनल खोलने की वजह से जस्ट मैं यहाँ पर अपने रिकॉर्ड के लिए मेन चीज ये स्टार्ट किया था मैंने। फिर मेरी जर्नी लोगों के साथ शेयर करना चालू किया धीरे धीरे और लोगों ने अच्छा खासा इसको सपोर्ट किया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपने जस्ट वही चीजें बताना चाहूंगा जो मेरे पास होल्डिंग में है और मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। तो फिलहाल ये 1 अगस्त का जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, उसके अंदर ये सारे शेयर्स आपको देखने मिलेंगे, जस्ट स्क्रीनशॉट मिलेंगे। और उसके बाद मैंने फिर वो कम्प्लीटली हर एक इसके बारे में बताना चालू किया, आगे के जो भी मैंने शेयर्स खरीदे और बेचे, ठीक है। साथ साथ में खरीदता था तभी टेलीग्राम चैनल पे भी बताया करता था और बेचता था तभी भी पहले सबसे पहले टेलीग्राम पे बताया करता था। तो ये चीज होती है और ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पे रोज के रोज नए नए कॉल्स आएंगे, बाय करो इतना स्टॉप लॉस इतना, ये ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद खरीदता हूँ और खुद बेचता हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग के कॉल्स में यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो इसी वजह से टेलीग्राम चैनल को भी ज्यादा लोग इसीलिए ज्यादा प्रिफर नहीं करते। बट मैं मेरी इंफॉर्मेशन के लिए जिस किसी को चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता ही है। और यहाँ पर अभी जो ये वीडियो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो 568 का ये मैंने जब जुलाई में बेच दिया था, 30 जुलाई तक मैंने जितने भी शेयर्स बेचे थे 22 से 30 जुलाई तक, ठीक है। तो उसका ये स्क्रीनशॉट है, उसमें से एक कोई तो दिन का स्क्रीनशॉट है और वहां पर मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया था। ये उछाल में 22% मुझे प्रॉफिट हुआ और फिर मैं इसमें से निकल गया और तभी इसका 568 पे मैंने बेच दिया था। और फिलहाल यहाँ पर दिखा दूँ अभी करंटली भाव चल रहा है 518, यानी मैं आज भी प्रॉफिट में ही हूँ। अगर मैं रखता तो थोड़ा बहुत लॉस में फिर से चला जाता, ठीक है। तो फिलहाल इसी तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करके मैं अभी आज तक प्रॉफिटेबल ही हूँ। और मेन चीज में मुझे यही सिखाना है कि सही टाइम पे एंट्री किया करो। देखो मार्केट में वोलेटाइल होता ही है, अप एंड डाउन चलते ही रहता है, लेकिन हमको हर एक गिरावट में खरीदना चाहिए। ऐसे ही मैं आज भी गिरावट में हर एक शेयर, चाहे वो मेरे पोर्टफोलियो का कितना भी शेयर गिरा तभी भी मैं उसमें बाइंग करते रहता हूँ। तो ये शेयर ने भी अच्छा खासा इसी तरीके से प्रॉफिट दिया। देखो मैंने जुलाई के टाइम पे खरीदा था लगभग 1 महीना, यानी 1 जुलाई को अगर मैं खरीदूँ और 30 जुलाई को बेच दूँ, 1 महीने के अंदर मैंने उसमें प्रॉफिट ले लिया था। यहाँ पर दिखा देता हूँ जुलाई का किस तरीके का ये था और यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई में, यहाँ पर 1 जुलाई की बात करेंगे तो 1 जुलाई को इसका भाव 452 के आसपास कुछ था। फिर उसके बाद ये 30 जुलाई तक ये इसका भाव हो गया था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 29 या 30 जुलाई, या यहाँ पर ही देख लो, ठीक है। तो लेकिन मैंने 22 के बाद बेचा है, यानी ये 22 से इसमें लिया हुआ प्रॉफिट है। तो लगभग मैंने ये हाई पे मैंने निकाल दिया था, ठीक है। 1 अगस्त को वीडियो डाले, मतलब ये 595 का हाई जो नजर आ रहा है 30 जुलाई को, वही टाइम पे मैंने निकाला है। और एंडिंग एंडिंग के जो वीडियोस रहेंगे या एंडिंग एंडिंग के स्क्रीनशॉट रहेंगे वो एंडिंग के डेट में ही निकाले। तो लाइन वाइज जो भी लाइन में आ रहे उनके उन सभी के स्क्रीनशॉट कंटिन्यूसली निकालते निकालते जो भी एंडिंग में आएंगे वो 30 जुलाई या
29 जुलाई के आसपास ही होंगे, तो फिलहाल ये 30 जुलाई में ही मैंने इसको बेचा था, इस वजह से इसका जो प्राइस आपको नजर आ रहा है 580 के अबाव था, 585। तो ये मैंने उसी दिन लगभग 30 जुलाई के आसपास मैंने बेच दिया था, यहाँ पर आपको 568। तो वो टाइम पे मैंने बेचने के बाद इस पर मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के वो शॉर्ट वीडियो डाला था, और फिलहाल वहां से देखो शेयर ने फिर थोड़ा बहुत बढ़ा और उसके बाद गिरा, 623 तक गया था। देखो मैं रखता तो और भी प्रॉफिट हो जाता, लेकिन लालच नहीं करना चाहिए, ये चीज मैंने हमेशा सीखी है। तो देखो फिर से 480 तक फिर से मुझे रिटर्न आना पड़ता अगर मैं लालच में रहता तो, ठीक है, फिर से फिर और होल्ड करता तो होल्ड करने का नतीजा अच्छा भी होता है। देखो अगर मैं रखता तो भी बाद में, आज नहीं तो कल या 2-3 महीने बाद तो अच्छा प्रॉफिट होता। देखो जुलाई से अक्टूबर अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग लगभग 2-3 महीना वेट करने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए मैं भी वेट ही करता हूँ। अगर कोई शेयर में जल्दी प्रॉफिट नहीं होता है तो वेट करना चाहिए, और उसके बाद जरूर अच्छा प्रॉफिट होता ही है, तो होल्ड किया करो, यही सिखा रहा हूँ मैं, और यही सीख से आप बहुत कुछ आगे अचीव कर सकते हो, ठीक है। और इसका राइट इश्यू भी आया था बीच में, अभी जस्ट रिसेंटली है, 12 मई का एक्स डेट है यहाँ पर, और 1:20 एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा 20 के बदले, तो यहाँ पर ये राइट इश्यू है, और यहाँ पर जिसको अप्लाई करना है अप्लाई करके बेनिफिट ले सकता है इसका, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो शेयर ने अच्छा खासा मोमेंट दिखाया, ये मल्टीवेगर रिटर्न्स देने वाला शेयर बना है एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि 5 साल के अंदर इसके जो रिटर्न्स है काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर ये 2020 का देख लो, 20 में भी मतलब ज्यादा ये गिरा नहीं था, एक ही रेंज में रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2020 में भी ज्यादा गिरा नहीं, फिर भी 81 तक गया था, 81 के लो तक, फिर 81 से फिर इसने एक बहुत जबरदस्त हाई मारा था, लगभग ये 8-9 गुना ये शेयर बढ़ गया है, ठीक है। 8 या 9 गुना ये शेयर बढ़ना मतलब काफी अच्छी बात होती है, कि इतना आपका कैपिटल भी बढ़ जाता है, 1 लाख का 9 लाख बन जाता है, ये छोटी बात नहीं होती है कभी भी शेयर मार्केट में, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए सही शेयर रहो तो आप अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा सकते हो, लेकिन शेयर सही होना चाहिए और टाइमिंग सही होनी चाहिए। अभी भी जिसके पास जो भी शेयर कम सस्ते भाव पे मिले हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर में इसी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहूंगा, देखो ये लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म इसका 2017 से ही है, मैक्स मैक्स की बात करेंगे तो 2017 से ये कंपनी मार्केट में आई है, और तब से इसके जो रिटर्न्स है इस तरीके रिटर्न्स इसने दिए हैं, ठीक है। और नीचे हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में देखो यहाँ पर 400% लगभग 394% यहाँ पर इसने 3 साल वालों को दिया है, 1 साल वालों को इसने 2.5% का रिटर्न दिया, और बाकी सभी को यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है। YTD यानी जनवरी से अभी तक 17% का लॉस दिखा रहा है, 3 महीने वाले को 7% का लॉस दिखा रहा है, 1 महीने से जो इन्वेस्टेड है उनको 14-14.5% का नेगेटिव रिटर्न नजर आ रहा है, और 1 वीक वाले को जो 4% का प्रॉफिट नजर आ रहा है, ठीक है। और फिलहाल डायनेमिक प्रोडक्ट का यहाँ पर स्टैंड अलोन का डीमर्जर बता रहा है, नहीं डिसम्बर बता, डिसम्बर का सेल्स बता रहा है, ठीक है। तो डायनेमिक का स्टैंड अलोन डिसम्बर का जो नेट सेल्स है लगभग लगभग 14% से अप हुआ है, यानी 63 करोड़ इसने सेल किया है, यानी प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए। और फिलहाल मैं आगे यहाँ पर दिखा दूंगा कि इसने सेल्स तो अच्छा किया और प्रॉफिट भी अच्छा ही किया है ये कंपनी ने। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, तो एक चीज अच्छी होती है कंपनी का ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रहा है, और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो ऐसी कंपनी में हमेशा बने रहना चाहिए, या ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, हर एक चीज ग्राफ पे होता है, हर एक चीज उसके फाइनेंशियल पे होता है, ग्रोथ पे होता है, तो ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि इसके जो प्रमोटर्स है उनके पास शेयर होल्डिंग कम है, ऑलरेडी मार्च 2021 में अच्छा था होल्डिंग 35% तक, वहां से गिरते गया और 29% तक इनका अभी शेयर होल्डिंग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 70% तो पब्लिक के पास है, लेकिन पब्लिक ये कंपनी पे बहुत भरोसा करके चल रही है, और सबसे ज्यादा पब्लिक के पास ही इसके शेयर होल्डिंग है, तो पब्लिक ही इसकी सबसे बड़ी ओनर है, ठीक है।
और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर 3 लोग हैं, जिसमें से एक रिसेंटली चेंज हुआ है, माइनस हुआ है, तो यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टेड है, ये आप दिमाग में रख सकते हो। थोड़ा बहुत ही है, बहुत कम है इन्वेस्टमेंट, देखो 0.16, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है, बट उतना तो इन्वेस्टेड है आपके साथ साथ, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर सारी चीज़ें हमने देख ली है कंपनी के बारे में, और मुझे यहाँ पर ये कंपनी के बारे में क्या पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो बिजनेस, जो फाइनेंशियल है, वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। फिलहाल हर एक गिरावट में अच्छे शेयर्स को ऐड करते जाना चाहिए, लेते जाना चाहिए। अगर मेरे पास और भी बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी है, उसमें से अगर प्रॉफिट होता है तो तुरंत मैं मेरा फंड हमेशा शिफ्ट करता हूँ दूसरे शेयर्स में, तो मेन मेरी यही स्ट्रैटेजी होती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं तो बाइंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे ऑलरेडी शेयर्स है मार्केट में, उसमें से भी सब में से प्रॉफिट करके दिखाना भी है, और फिलहाल इसने मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट दिया। और मुझे नए नए शेयर्स ट्राई करने भी बहुत अच्छे लगते हैं, हर एक शेयर कुछ ना कुछ सिखाते रहता है, हर एक शेयर की अलग अलग कहानी रहती है, अलग अलग बिजनेस रहता है, तो ये सारी चीज़ें सीखने की में भी मुझे अच्छा लगता है, वही चीज़ मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। और मुझे आपको, आपकी मर्जी होती है आपको कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिनिमम, ये देखो मैंने 1 महीने के अंदर इसमें जो रिटर्न्स लिए 22%, ये मेरे लिए ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये मेरे खुद का कैपिटल लगा होता है, ना मैं किसी से किसी का मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ, ना ज़्यादा लोन यूज़ कर रहा हूँ, जो भी है खुद का कैपिटल पे कमाना बहुत बड़ी बात होती है, और कैपिटल जो भी खुद का कैपिटल लगाता है वही आगे जाके ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमा लेता है, क्योंकि कैपिटल अपना होता है तो रिस्क कम होता है, अगर हम किसी और का पैसा यूज करते हो तो रिस्क ज्यादा भी होता है और डूबने के ज्यादा चांसेस होते हैं आपके भी, क्योंकि शेयर मार्केट कोई स्टेबल चीज नहीं है, अप एंड डाउन उसमें आते रहते हैं। तो फिलहाल यही चीज करना चाहिए कि खुद का पैसा लगाओ, और तभी आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। देखो शेयर आपका कभी 10 गुना भी हो जाता है, अगर आपके 10,000 के लाख रुपए भी बन जाता है बहुत बड़ी बात हो जाती है, या 1 लाख का 10 लाख भी बन जाता है बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यही सोच रखा करो, 2 या 3 साल में तो चीजें चेंज होती है, मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल भी सकते हैं अगर आपके पास कंपनी अच्छी हो तो। अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया करो, थोड़ा थोड़ा भी पैसा होगा 5,000 10,000, उस हिसाब से अच्छे स्टॉक कलेक्ट किया करो, और आगे इससे ही आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, और मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे स्टॉक आपको पता चलेंगे, जरूर पता चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टडी करके रिसर्च करके ही वो स्टॉक में मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्टॉक मेरे जो पोर्टफोलियो के उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, उसके वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पे, आप चाहिए तो जाके देख सकते हो, और सभी उन शेयर्स में से प्रॉफिट जरूर आपको देखने मिलेगा, उसके प्रॉफिट्स के भी वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, क्योंकि कंजूसी करके कोई आपको, आप खुद का ही नुकसान कर लोगे, और मेन चीज है कि आपको सीखना है, सीख के आपको कमाना है, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा सीख के कमाओ, कॉपी मत करो, किसी को कॉपी करने से कुछ नहीं होता, सिंपल है, आप खुद भी दिमाग लगाओ, खुद भी थोड़ा स्टडी कर लो, या मैं आपके लिए जो स्टडी ला रहा हूँ उस पर थोड़ा बहुत सोच लो, और उसके बाद अगर आपको वो चीज़ सही लगती है तो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, तो उससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।